फ्रेंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। फ्रेंड आपको पता ही है विराट कोहली का ड्राइंग अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोला था नेक्स्ट पार्ट में विराट कोहली का ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड आज ही ये वाला ड्राइंग कंप्लीट करा देंगे। फ्रेंड प्लीज आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। फ्रेंड आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि कैसे तरह का शेडिंग होता है और मैं कैसे तरह का शेडिंग करता हूँ। आप भी थोड़ा सीख सकते हैं वीडियो लास्ट तक देखोगी तो। फ्रेंड प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलते हैं फिर जल्द से जल्द ड्रॉइंग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज ही मेरे को कंप्लीट करना है। फ्रेंड प्लीज वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड आप देख सकते हैं इतना कुछ हुआ है, पहले वीडियो में इतना कुछ हुआ है और बहुत कुछ बाकी था। मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल पर जाके ये वाला पार्ट वन का वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं जिधर डार्क पार्ट है मैं उसमें भी डार्क कर रहा हूँ और जिधर लाइटिंग पार्ट है मैं उसमें लाइटिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, फ्रेंड रेफरेंस फोटो देख के आपको शेडिंग करना होगा। जिधर लाइटिंग है उसमें लाइटिंग करना है और जिधर डीप एरियाज है उसमें भी डीप करना है। फ्रेंड आपको रेफरेंस फोटो अच्छा से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद शेडिंग करना है। फ्रेंड आप वीडियो लास्ट तक देखते रहे मैं किस तरह का शेडिंग कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं फास्ट लेयर कैसे दे रहा हूँ, मतलब लाइटिंग जिधर पूरा लाइटिंग है मैं उसमें फास्ट लेयर पूरा लाइटिंग दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डीप करके मैं शेडिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड आपको पता है ड्राइंग पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है शेडिंग। फ्रेंड शेडिंग नहीं हुआ था अच्छा से ड्राइंग अच्छा नहीं दिखता है और मतलब जैसे तरह का मतलब रेफरेंस फोटो होता है वैसे तरह का नहीं हो पाता है। और फ्रेंड आपको पहले शेडिंग का ऊपर ध्यान देना होगा और बहुत प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शेडिंग नहीं कर पाओगे। फ्रेंड प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी ड्राइंग बनाते हो तो प्लीज फ्रेंड आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, शेडिंग प्रैक्टिस करना है, उसके बाद शेडिंग अच्छे से कर पाओगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं हेयर कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर में कैसे दे रहा हूँ लाइटली, उसके बाद मैं डीप करूंगी। आप देख सकते हैं मैं चारकोल से कैसे डीप कर रहा हूँ और जिधर जिधर लाइटिंग है मैं छोड़ देता हूँ और जिधर पूरा डीप है मैं चारकोल पाउडर भी यूज करता हूँ। अभी देख सकते हैं मैं कैसे तरह का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी ऐसे तरह का कर सकते हैं। फ्रेंड मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रही हो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं जैसे तरह का शेडिंग कर रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे तरह का शेडिंग होता है। फ्रेंड आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगी तो स्किप कर दोगी तो आपको पता नहीं चलेगा शेडिंग कैसा होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और जिधर जिधर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैं आपको बोल के बता देंगी, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड ये वाला ड्राइंग कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताना और मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फ्रेंड आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।